जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो एक फेज का हमारा उपकरण होता है उसमें सिंगल अर्थिंग, एक अर्थिंग की जाती है, और जो हमारा तीन फेज का जो उपकरण होता है उसमें डबल अर्थिंग की जाती है। देखिए, नॉर्मली जो थ्री फेज के जो उपकरण उपयोग होते हैं वो इंडस्ट्री में उपयोग होते हैं, और जो हमारा सिंगल फेज के जो उपकरण होते हैं वो नॉर्मली डोमेस्टिक होते हैं। तो सिंगल फेज के रूप में जैसे कि हमारा प्रेस है, वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, ये हमारा सिंगल फेज के अंतर्गत आता है, और जो हमारा मोटर है थ्री फेज का वो नॉर्मली हमारा थ्री फेज का मोटर जो होता है वो इंडस्ट्री में उपयोग में आता है, और ये थ्री फेज से हमारा चलता है। अब बात आती है कि थ्री फेज के उपकरण में डबल अर्थिंग और सिंगल फेज के उपकरण में हम एक अर्थिंग का उपयोग क्यों करते हैं, आइए उसको समझते हैं। देखिए, ये इसका कारण दो तीन कारण है जो इस वीडियो में आप समझेंगे, और इसको आप प्रैक्टिकली कैसे शो करा सकते हैं यदि इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है। अर्थिंग से संबंधित जो क्वेश्चन होता है वो बहुत ही कंफ्यूजन भरा होता है, और सेफ्टी से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं अर्थिंग से संबंधित। तो इसको आपको प्रैक्टिकली कैसे उसको समझाना है, संतुष्ट करना है, उस पर आपका इंटरव्यू बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। तो आइए समझते हैं इसको। देखिए, जो हमारा सिंगल फेज के जो उपकरण होते हैं जैसे फ्रिज है, प्रेस है, उसमें देखिए जो हम सॉकेट का उपयोग करते हैं उसमें जो ऊपर वाला पॉइंट होता है यह अर्थिंग में इसमें कनेक्टेड होती है, ये वाला जो हमारा होता है वो न्यूट्रल का होता है, और ये हमारा फेस का होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, देखिए इसमें भी देखिए तीन पॉइंट बने होते हैं, तीन हमारे होते हैं कॉन्टेक्ट होते हैं हमारे। अब इसमें क्या है, एक में हमारा फेस कनेक्ट हो जाता है, एक में हमारा न्यूट्रल कनेक्ट हो जाता है, और एक में हमारा अर्थिंग कनेक्ट हो जाता है। क्योंकि इसमें सिंगल फेस की सप्लाई होती है इसीलिए इसमें जो है वो सिंगल मतलब एक ही अर्थिंग का उपयोग किया जाता है, जो हमारा सिंगल फेस का जो उपकरण होता है डोमेस्टिक उपकरण होता है, ठीक है। अब बात आती है कि थ्री फेस में हम डबल अर्थिंग क्यों करते हैं और उसका हमें फायदा क्या मिलता है, क्या एडवांटेज मिलता है। अब इसमें देखिए, इसमें होता क्या है कि जब हम अर्थिंग को करते हैं तो क्या होता है, वो एक सेफ्टी से रिलेटेड है, मतलब उपकरण की भी सेफ्टी और मनुष्य की भी सेफ्टी, दोनों चीज़ें होती हैं। अब इसमें क्या होता है कि जब हम अर्थिंग के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो जो भी इसकी बॉडी में कोई भी लीकेज करंट होती है वह लीकेज करंट जो है वो क्या होगा कि इस अर्थिंग वाले पॉइंट के माध्यम से सीधे ज़मीन में चली जाएगी जो लीकेज करंट होगी, और क्या होगा कि इसकी जो बॉडी होगी उसमें कोई भी लीकेज करंट नहीं बचेगी। तो यदि कोई व्यक्ति इसको छूता भी है तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। अब आइए जानते हैं कि जो थ्री फेस की जो मोटर होती है इसमें डबल अर्थिंग क्यों की जाती है और उसका एडवांटेज क्या मिलता है, क्या फ़ायदा मिलता है। देखिए, जो थ्री फेस का हमारा मोटर होता है या थ्री फेस का जो उपकरण होता है उसमें भी हम सिंगल अर्थिंग कर सकते हैं, लेकिन डबल अर्थिंग करने का कारण क्या होता है, क्यों हम डबल अर्थिंग करते हैं। देखिए, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि अर्थिंग की जो आती है थ्री फेस के उपकरण में उसकी जो बॉडी होती है ना, उस बॉडी में ही हम या अर्थिंग का पॉइंट बना होता है वहाँ पर हम ला करके अर्थिंग के तार को कनेक्ट करते हैं। तो पहली बात तो यही होगी कि हम इसको ला करके कनेक्ट करते हैं। नॉर्मली लोग साधारण रूप से जो जिसके वो बताते हैं इसका जो आंसर बताते हैं कि जो एक अर्थिंग है हमारी और दूसरी अर्थिंग है, दोनों में से कोई भी एक अर्थिंग अगर हमारी टूट गई, मान लीजिए मोटर आपकी चल रही है तो वाइब्रेशन होगा, वाइब्रेशन होने की वजह से या किसी भी कारण से एक अर्थिंग हमारी जो है वो टूट गई तो दूसरी अर्थिंग से हमारा जो प्रोटेक्शन है वो कंप्लीट रहेगा, प्रोटेक्शन हमारा ख़राब नहीं होगा, और मतलब जो हमारी जो सेफ्टी की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी। तो पहला तो कारण यही हो गया कि हम अर्थिंग को इसीलिए हम करते हैं। अब दूसरा कारण क्या है जो कि प्रैक्टिकल कारण है। देखिए, मान लीजिए कि एग्जाम्पल ले लेते हैं हम कि यह जो हमारा अर्थिंग है वो 4 ओम की अर्थिंग है, ठीक। अच्छा, एक चीज़ ये देख लीजिए कि अर्थिंग की वैल्यू जितनी ही कम होगी उतनी ही जल्दी जो वोल्टेज है, जो सप्लाई है, लीकेज करंट है, वो ज़मीन में चली जाएगी, ठीक है। मतलब जितना ही कम अर्थिंग होगा, अब कितना अर्थिंग कम होता है तो नॉर्मली देखिए यदि आप पढ़ेंगे तो 1 ओम का रेजिस्टेंस बोला जाता है या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 ओम का रेजिस्टेंस कंसीडर किया जाता है। 3 ओम का रेजिस्टेंस हो तो ठीक ठाक है, मतलब इसको आप कंसीडर कर सकते हैं, चला सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा तो ठीक नहीं है, क्योंकि जितना ही कम रेजिस्टेंस होगा उतना ही आपके सिस्टम के लिए अच्छा है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि मान लीजिए कि जो आपकी एक अर्थिंग है उसका जो वैल्यू है वो 4 ओम का है, ठीक। दूसरी अर्थिंग है उसका भी वैल्यू जो है वह 4 ओम का है, तो दोनों अर्थिंग तो हमारी जो ज़रूरत है, जो हमने बताया आपको 3 ओम का जो रेजिस्टेंस है वह उससे तो ज़्यादा हो गया, ठीक। मतलब वहाँ पर क्या है कि हमको जो चाहिए था 3 ओम लेकिन है दोनों का कितना है 4 ओम है,
तो ये तो खराब हो गया। अब यहां पर देखिए क्या होता है कि यह अर्थिंग और यह अर्थिंग, दोनों अर्थिंग हमारे किस में है, समानांतर क्रम में जुड़े हैं, पैरेलली जुड़े हुए हैं। एक ये जुड़ा हुआ, एक ये। अच्छा, इसमें एक अर्थिंग ये है, एक अर्थिंग ये, ऐसा नहीं है एक एक ही अर्थिंग को दो जगह पे जोड़ दिया, वो गलत है। एक अलग अर्थिंग ये हो गई, एक अलग अर्थिंग ये हो गई, और दोनों का रेजिस्टेंस हमारा चार चार ओम है। तो अब यहाँ पर देखिए, जब ये समानांतर रूप से जुड़े होंगे तो आपने देखा होगा कि जो रेजिस्टेंस होता है, जब वो समानांतर में जुड़ा जाता है, पैरेलल में जोड़ा जाता है, तो वो एक बटे आर इज इक्वल टू एक बटे आर वन प्लस एक बटे आर टू, आर टू इसका जो फॉर्मूला होता है। अब देखिए, एक बटे आर वन एक बटे चार प्लस एक बटे चार, आर टू की वैल्यू भी एक बटे चार है, एलसीएम चार हो जाएगा, तो चार एकम चार, एक एकम एक, प्लस एक इज इक्वल टू दो बटे चार। अब चूंकि जो वैल्यू आई है वो एक बटे आर की आई है ना, तो जब हम आर की वैल्यू निकालेंगे इज इक्वल टू चार बटे दो, ये कट जाएगा, इज इक्वल टू हमारा दो ओम हो जाएगा। ठीक, अब यहां पर देखिए आपकी वैल्यू कितनी आई, दो ओम की वैल्यू मिली। पहले जो वैल्यू कितनी थी, चार ओम की वैल्यू थी, जो कि ठीक नहीं था। जब आपने इसको डबल अर्थिंग कर दिया और उसको पैरेलली कनेक्ट कर दिया, तो अब आपको वैल्यू कितनी मिली, दो ओम की, और जो कंसीडर किया जा रहा था मैक्सिमम जो वैल्यू थी वो तीन ओम की थी, अब आपकी हो कितनी गई है, दो ओम की वैल्यू हो गई है, तो जो कि हमारे लिए बहुत ही बढ़िया हो गया। अब कोई भी लीकेज करंट होगी वो तुरंत ज़मीन में चली जाएगी और हमारी जो सेफ्टी होगी वो कंप्रोमाइज नहीं होगी। तो दो कारण यही होते हैं कि पहला तो यही हो गया कि वाइब्रेशन के कारण से यदि एक तार टूट गया अर्थिंग का, तो दूसरे से हमारा काम चलता रहेगा। और दूसरा, जो प्रैक्टिकल आप समझा सकते हैं उसको इस प्रकार से कि इस प्रकार से आप दोनों का रेजिस्टेंस को आप पैरेलली कनेक्ट करके, इस प्रकार से आप फार्मूले में रख करके यदि आप उसको बता देंगे, तो इससे आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा हो जाएगा और मतलब आपके जो सिलेक्शन की संभावना है वो बढ़ जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह चीज़ समझ में आ गई होगी कि जो सिंगल फेस का उपकरण होता है उसमें सिंगल अर्थिंग क्यों कनेक्ट की जाती है, और जो हमारा थ्री फेस का उपकरण होता है उसमें डबल अर्थिंग का हम कनेक्शन क्यों करते हैं। यह चीज़ आपकी समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी इसके विषय में जानकारी मिल पाए। और यदि कभी उनको इंडस्ट्री में काम करने का मौका मिलता है तो वो डबल अर्थिंग को ज़रूर प्रेफर करें। इस गलती को ना करें कि सिंगल, अगर डबल थ्री फेस की कनेक्शन है तो उसमें सिंगल अर्थिंग करके चले आएँ, वो गलत तरीका है, डबल अर्थिंग ही करना चाहिए, क्योंकि सेफ्टी हमें कंप्रोमाइज़ नहीं करनी है। तो अगर आपके मन में इस तरह के कुछ और क्वेश्चन हैं, कोई और कन्फ्यूज़न है, तो उसको कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, मैं उस पर अपना रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तो आज वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।